हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस पीओ एंड क्लैट प्री 2018 का जो अपकमिंग एग्जाम है उसको टारगेट करके आज का लेसन प्रिपेयर किया गया है। आज डबल पाई चार्ट से रिलेटेड एक डीआई डिस्कस करेंगे, जिसमें एक परिवार है जिसके इनकम और एक्सपेंडिचर सभी मेंबर्स की अलग अलग आपको दी हुई है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि मैं जो डीआईजीए करवा रहा हूं इनका लेवल उतना हाई नहीं है, तो प्री में ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आज जिन बच्चों ने इंडियन बैंक पीओ 2018 का प्री का एग्जाम दिया होगा उन्होंने देखा होगा किसी भी स्लॉट में डीआई का लेवल कोई हाई नहीं था, वो सिंपल डीआई था। चलो सेशन शुरू करते हैं। देखिए, पहला आपको एक पाई चार्ट दिया है जिसमें टोटल इनकम उस परिवार की दे दी 240,000। 240,000 हो गया आपका 100% की वैल्यू, और उसका फिर ए बी सी डी ई एफ 6 मेंबर है उन सब की अलग अलग इनकम दे दी, 15%, 20%, 12%, 18%, 16%, 19%, और उसी तरीके से एक एक्सपेंडिचर का दे दिया। टोटल एक्सपेंडिचर 144,000 है, मतलब एक्सपेंडिचर इस पाई का 100% क्या है, 144,000। और फिर ए बी सी डी ई एफ का इंडिविजुअल जो एक्सपेंडिचर है 15%, 17%, 13%, वो भी इसमें दे दिया। तो इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, सेविंग इज इक्वल टू क्या होगा, जितनी उसकी इनकम है और उसमें से खर्चा घटा दीजिए। एस इज इक्वल टू आई माइनस ई या आई इज इक्वल टू एस प्लस ई, एक ही बात। तो ये कहीं भी सेविंग अगर पूछे इनकम एक्सपेंडिचर देखे तो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वही सेविंग। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ एफ एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ई। तो सबसे पहले एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, शॉर्ट में इसको कैसे लिख सकते हैं। तो आपके पास दो फिगर है, एक इनकम है एक एक्सपेंडिचर है। इनकम को आई से डिनोट करो, एक्सपेंडिचर को ई से करो। तो क्या पूछा आपसे, इनकम ऑफ एफ माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए, ये आपसे पूछा गया है ताकि दोबारा आपको क्वेश्चन पे नहीं जाना पड़े। अब इनकम ऑफ एफ क्या है, इनकम एफ का देखो तो 19% है। 19% किसका, 240,000 का। तो 19/100 फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, गुणा 240,000, 240 एक दो तीन से, माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए तो 15% किसका, 15/100 और ये है 144,000। अब ये दो सिफर आपको पता है कटनी है, तो जैसे इस क्वेश्चन को आप देखें तो इस स्टेप को आप एग्जाम में अवॉइड करेंगे। आपको पता है 240,000 है तो 1% की वैल्यू तुरंत आपकी निकलेगी कि दो डिजिट हटा दीजिए भाई, 100% की है तो 1% कितना हो गया 2400, 19% है, 19 × 2400 सीधा आप यहां आएंगे, माइनस 15 × 1440 भाई, दो डिजिट कटनी है 1% के लिए, जितना परसेंट है उससे गुणा कर, ये आपको वैल्यू निकालनी। अब ये आप जितना जल्दी इनको गुणा कर लेंगे भाई, 2400 है इसको 2000 प्लस 400 मानो, 2000 को 19 से करोगे 38,000 और 400 से करोगे तो 19 × 76 और दो सिफर लग गई, माइनस 14,400 तो 1,440, तो 1000 को 15 से करोगे तो 15,000, 400 से करोगे 15 × 60 तो 6000, 60 क्या दो सिफर लग गई, और 1640 से करोगे तो और आ गया। या अब आप इसमें देखोगे तो 15,000, 6,000, 21,000 को अगर मैं यहां से काटूं तो ये बच गया 17,000, 15 × 6 = 21, हाँ 17,000 बच गए, ठीक है, और 17,000। अब 7600 और ये 600 यहां से काट दीजिए, 7 बचेंगे तो 17 × 7 = 24,000। 24,000 आप देख लीजिए, कहां 24,000 इसमें ऑप्शन डी इज राइट। तो ये जोड़ बाकी आप जल्दी कीजिए और हमेशा स्प्लिट कीजिए। इसमें एक तरीका और भी हो सकता है कि आप कॉमन ले लें, जैसे इसमें 12 × 12 = 144, 120 यहां से भी कॉमन आ रहा है और 12 × 2 = 24, 120 यहां से भी, लेकिन फिर भी बात वही रहेगी। इससे अच्छा है कि आप इनको जल्दी गुणा करना सीखें, और इसके लिए आप इनको जोड़े नहीं, इनको लिखे, हो सकता है या कैंसिल आउट करने में आपको सुविधा है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल इनकम ऑफ ए प्लस बी टुगेदर। ये साथ साथ इनकम ए प्लस बी रेशियो किससे, एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ई एंड एफ, एक्सपेंडिचर किसका, ई और एफ का, ये आपसे पूछा गया। इनकम ऑफ ए प्लस बी, तो ए की इनकम कितनी है 15% है और बी की है 20%, तो ये कितनी आ गई 35%, क्योंकि परसेंटेज
की वैल्यू वही है 100% दोनों के लिए, कि तो ये आप आराम से दोनों को आपस में क्लब कर सकते हैं। तो 35% किसका, 2,40,000 का, 2,40,000 राइट, 240 के आगे 3 सिफर। रेशियो एक्सपेंडिचर ऑफ ई प्लस है तो ई और एफ का 38% हो गया, 38% ऑफ 1,44,000 राइट। अब आप दिख रहे हैं कि इसमें 3 सिफर इसकी और 3 सिफर इसकी कट रही है, 12 से अगर मैं काटूं तो 12 12 144 और 12 2 20 12 2 24, और 4 से फिर कट रहा है, 4 5 20 और 4 3 12, परसेंटेज से दोनों साइड की परसेंटेज कट गई। तो ये हो गया 35 × 5 और 38 × 3, 35 × 5 30 5 150 और 5 5 25 और जोड़ दो 175, और 38 को गुणा करने के लिए 30 3 90 और 8 3 24, 90 और 24 114, तो 175 175 114। आप देखिए इसमें ऑप्शन में ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्या, फाइंड द टोटल सेविंग ऑफ बी एंड डी, बी और डी की टोटल सेविंग कितनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, टोटल आप इनकम ऑफ बी प्लस डी की टोटल इनकम निकाल लो और उसमें से एक्सपेंडिचर बी और डी का, बी प्लस डी का एक्सपेंडिचर घटा दो, तो यही आपकी सेविंग आ जाए, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो बी और डी का अगर आप देखोगे तो इनकम कितनी है, बी का 20% है और डी का 18 है, तो ये हो गया 38%। 38% किसका, 2,40,000 का, माइनस एक्सपेंडिचर बी और डी का, बी 17 है और डी भी 17 है, तो 17 और 17 34%, तो 34% किसका, 34% ऑफ 1,44,000, यही सेविंग आ जाएगी। तो इसमें 38% ऑफ, तो ये दो सिफर कटनी है, तो ये आपका आ गया 38 × 2400 और माइनस 34 × 1440। अब आप ले तो इसमें कॉमन कुछ लेना चाहिए तो कोई कॉमन ले लें, नहीं लें तो भी कोई खास बात नहीं है, आप 38 को डायरेक्ट गुणा कीजिए। देखो 38 को 2000 से करोगे तो 36,000 आ गया, प्लस 38 को 400 से करोगे तो 38 × 76 और 76 × 152 भी, 38 को 4 से अगर करोगे तो 38 का डबल हो गया 76, 76 का डबल 152, 152 और उसके आगे दो सिफर, भी 400 से कर रहे हो तो दो सिफर आगे, माइनस आप यहां देखोगे 34 का 1000 से करोगे तो 34,000, माइनस 400 से करोगे तो 34 का 68 और 68 का डबल कितना हो गया 136, तो 136 और दो सिफर, और 40 से करोगे तो क्या जाएगा 1307, भाई 400 से किया और 40 से किया तो क्या कितना फर्क पड़ गया, एक डिजिट का, तो 13,600 थे तो 1360 की सेविंग आ गई। अब इसमें जो आराम से कट सकता है उसको काट लीजिए, भाई आप 34,000 अगर मैं यहां देखूं 34,000 और 76,000 को मैं काटूं तो ये बच गया 42,000, 42,000 और 76, तो 42,000 तो आपका यहां से बचा, 15,200 में 13,600, तो ये कितना है 13,600 और 1,000 और जोड़ोगे तो 14,600 और 14,960, ये 14,960 है, तो कितना बच गया 40 और 200, ये तो 240 आपका यहां से बच गया, तो ये क्या हो गया 42,240, 42,240 इसमें देख लो है क्या कहीं, 42,640 है तो इसमें 42,240 कहीं नहीं आ रहा, तो नन ऑफ दीज आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ ए सी डी, तो ये इनकम ऑफ ए प्लस सी प्लस डी और इसका एवरेज के लिए तीन की इनकम एवरेज निकालना है, तीन का तो बटा तीन ये आपसे पूछा गया, तो इनकम ऑफ ए सी डी, तो ए कितना है 15%, सी है 12%, 15 12 और डी कितना हो गया 18, ए बी सी डी, डी हो गया आपका 18, तो 18 12 30 15 45/3, तो ये हो गया आपका 15% ऑफ 2,40,000, तो 2,40,000 15% दो सिफर इसके कट जाएंगे, तो ये आ गया आपका 15 × 2400, तो क्या जाएगा 24 + 36,
36 के आगे 3 सिफर लग गया, 36,000। तो इसमें देख लो है क्या, ऑप्शन ए इज राइट, 36,000। नेक्स्ट देखिए, इफ द इनकम ऑफ एफ इज इंक्रीज्ड बाय 10%, इनकम ऑफ एफ इंक्रीज्ड बाय 10% मतलब 1.1 टाइम्स हो गया है, 10% से बढ़ा दी, एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 5%, फाइंड द सेविंग। तो माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ये एफ का ही, ये कितना बढ़ा दिया 1.05 से, और ये आपसे पूछा गया है। तो इनकम ऑफ एफ कितनी है, एफ 19% है, तो सॉरी 19%, तो 19 गुणा 2400, और इस पूरे को गुणा किससे करोगे 1.10 से, 19% ऑफ 2,40,000, तो ये 2 सिफर कटनी है, अल्टीमेटली 19 गुणा 2400 अभी तक अपने करते ही आ रहे हैं। और माइनस एक्सपेंडिचर ओ एफ है 20%, 20% किसका 1,44,000 का, तो 20% को आप क्या कर सकते हो 1/5 भी लिख सकते हो, या 20% रख लो जिसमें भी आपको ठीक लगे, 1/5 अगर करोगे तो 1/5 गुणा 1,44,000, 20% 20/100 1/5 हो गया, और किसका 1,44,000 का, और ये कितने से 1.05 टाइम्स इसको बढ़ना है, और ये सेविंग आ गई। अब उसमें से कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो कर लो, 5 को अगर मैं काटूं तो ये कितना आ जाएगा 0.21, 51 105, तो 0.21, और अगर 21 में इसको करना चाहूं तो ये आ गया आपका 1440 गुना 21, तो ये तो कितना आ जाएगा 21,000, तो एक आ गया 21 84 100 400 से, और माइनस 840 इसका, तो ये आ गया। इसको आप देखोगे तो 2400 को 1.10 से करोगे, 2400 को अगर मैं 1.10 से कर लूं तो कितना बढ़ जाएगा 10%, कितना हुआ इसका 240, तो 2640। इस संख्या को आप क्या लिख सकते हो 2640। अब 19 2 38,000 और 19 6 114 600, 2 सिफर, और 40 से करोगे तो 19 4 76 और 760। अब इसमें देख लो, जो कोई संख्याएं इसमें घट सकती हैं उनको घटा लो, वे 38,000 और 21,000 को अगर मैं करूं तो 17,000, तो ये बच गए 21,000 17, और 11,400 और 8,400 इनको अगर मैं करूं तो 3,000 ये बचते हैं, और 760 और 840, तो ये 80 इनमें से माइनस के और बच गए, ये आपके आगे 17,320,000, 20,000 में से 80 आप घटाओगे तो 19,920 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, सेशन अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा और अब तक सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वो भी देने की कोशिश करूंगा, कमेंट्स रेगुलर करते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव ए नाइस।